जिसके पिता के पास एक बीघा जमीन भी नहीं थी, वो आखिर बिहार का सीएम कैसे बन गया? और जब जेल जाने की नौबत आई तो पांचवी पास पत्नी को सीएम बना गया। जिसके पास एक वक्त बस में चढ़ने तक के पैसे नहीं थे, वो बिहार की सत्ता पर कई सालों तक काबिज रहा। आखिर ये कैसे हुआ? आज हम आपको कुछ अनसुने किस्से इस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। लालू प्रसाद यादव का जन्म आजादी मिलने के एक साल बाद 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। लालू यादव के पिता कुंदन राय की 8 संतानों में लालू यादव छठे नंबर पर थे। जब लालू का जन्म हुआ था तो उनके पिता के नाम मुश्किल से सिर्फ एक बीघा जमीन थी, सिर्फ एक बीघा जमीन। उनका परिवार झोपड़ी में रहता था। लालू के बड़े भाई महावीर राय वेटनरी कॉलेज में नौकरी करते थे। लालू यादव को पढ़ाने के लिए बड़े भाई अपने साथ पटना ले आए। लालू प्रसाद ने पटना यूनिवर्सिटी से छात्र संघ की राजनीति शुरू की और यहीं से शुरू हुई लालू यादव के किस्मत पलटने की शुरुआत। छात्र संघ की राजनीति में ही लालू जब भी भाषण देते तो उन्हें सुनने के लिए दर्जनों छात्र जमा हो जाते। लालू 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और 1973 में अध्यक्ष बन गए। 1974 में लालू जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में 29 साल के लालू जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार छपरा से सांसद बन गए। 1980 से 1989 तक लालू दो बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। 8 मार्च 1990 का वक्त था। गंगा किनारे ब्रजकिशोर हॉल में जनता दल की एक बैठक चल रही थी। यही बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव होना था। 324 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में 120 विधायकों के साथ जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के दो प्रमुख दावेदार थे, राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव। लालू यादव को एहसास था कि वो विधायक दल के नेता का चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बैठक की एक शाम पहले उन्होंने उस दौर के दिग्गज नेता चंद्रशेखर को फोन लगाया। लालू ने चंद्रशेखर से कहा, बाबू साहब आपने कुछ नहीं किया तो वीपी सिंह का आदमी बिहार में सीएम की गद्दी पर बैठ जाएगा। चंद्रशेखर उस वक्त वीपी सिंह से बेहद खफा थे। 3 महीने पहले ही वीपी सिंह ने चंद्रशेखर को धोखे में रखकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई थी। लालू ने इसी नाराजगी का फायदा उठाया। चंद्रशेखर ने लालू का फोन रखते ही अपने भरोसेमंद रघुनाथ झा को फोन घुमाया। अगली सुबह रघुनाथ ने भी विधायक दल के नेता के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी। इस तरह चुनाव त्रिकोणीय हो गया। पर्यवेक्षकों ने ब्रजकिशोर हॉल में वोटिंग कराने का फैसला किया। जनता दल के टिकट पर जीते 120 विधायक, 5 विधान पार्षद और 5 निर्दलीय विधायकों ने वोट दिया। कुल 127 विधायकों में 12 वोट रघुनाथ झा को, 56 वोट राम सुंदर दास को और 59 वोट लालू प्रसाद यादव को मिले। 12 सवर्ण विधायकों का एक खेमा रघुनाथ झा के साथ होने से लालू को फायदा मिला। इस तरह 42 साल की उम्र में लालू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। खैर, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो कई वजहों से लालू प्रसाद यादव सुर्खियों में रहे। कहा जाता है कि ये चौंका देने वाली बात थी कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के प्यून क्वार्टर में रह रहे थे, जिसके लिए उनसे जब कहा गया कि इससे प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतें पैदा होंगी तो लालू ने जवाब दिया कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं, जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने बाद लालू प्यून क्वार्टर से मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए। कहा जाता है कि लालू की याददाश्त बहुत अच्छी है। एक बार वो जिससे मिल लेते हैं उसका नाम और चेहरा नहीं भूलते, जिसके बारे में भी एक किस्सा है। दरअसल एक बार लालू एक पब्लिक मीटिंग में थोड़ा जल्दी पहुंच गए। आसपास के मुसहर टोले के लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहां एक युवती लालू की नजरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लालू ने उसे देखा, पूछा, सुखमनी तुम कहां थी? लालू ने तुरंत उसे 500 रुपए देते हुए कहा कि बच्चों के लिए मिठाई खरीद लेना। दरअसल जब लालू वेटनरी कॉलेज के क्वार्टर में रहते थे तो महिला पास के मुसहर टोले में रहती थी। सालों बाद भी लालू को उसका चेहरा और नाम याद था। खैर, कई और वजहों से भी लालू हमेशा चर्चा का विषय रहे। बिहार में राम रथ यात्रा रोकने और लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद जनता दल में लालू प्रसाद यादव का कद काफी बढ़ चुका था। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली और इस बार लालू प्रसाद अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि यही वो वक्त था जब भारत की केंद्रीय राजनीति में 1996 से 1998 के दौर को सबसे अस्थिर माना गया।
तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री के साथ जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें पार्टी की कमान SR बुमई का नाम हवाला कांड में आने के बाद मिली थी। लालू उस दौर में अमूमन कहा करते थे कि हवाला ने जनता दल को मेरे हवाले कर दिया। लेकिन यही वो दौर था जब लालू के लिए बहुत बुरा दौर रहा, यानी 1996 से 1998 तक लालू का बुरा दौर रहा। दरअसल 1 जून 1996 को जनता दल के HD देवगौड़ा कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा और जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की आपस में नहीं बनती थी। देवगौड़ा ने CBI को लालू के खिलाफ चारा घोटाले की जांच आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी। अप्रैल 1997 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे देवगौड़ा की सरकार गिर गई। 21 अप्रैल को इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। गुजराल को लालू यादव का भी समर्थन प्राप्त था। कुछ दिनों बाद भी CBI ने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की बात कह दी। लालू ने PM गुजराल से कहा, यह सब क्या हो रहा है, एक को हटाकर आपको PM बनवाया, आप भी यही सब कर रहे हैं। इस दिन लालू ने अपने करीबी कई नेताओं जैसे शरद यादव, ज्योति बसु, चंद्रबाबू नायडू को फोन कर इस मुद्दे पर बातचीत की थी। सभी ने कहा कि अगर CBI चार्जशीट दाखिल करती है तो आपको CM पद से इस्तीफा देना ही होगा। लालू समझ गए थे कि अब अपने ही उनसे किनारा करने लगे हैं। जिसके बाद 17 जून 1997 को राज्यपाल AR किदवई ने CBI को लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दे दी। शरद यादव, रामविलास पासवान ने लालू यादव से इस्तीफे की मांग कर डाली। इसी बीच जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव आ गया। शरद यादव ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में लालू यादव को चुनौती दे दी, जिस पर लालू ने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि शरद यादव मेरे खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। जिनको मेरे साथ होना था वह अब महत्वाकांक्षा की वजह से मेरे खिलाफ हो गए हैं। इसके बाद अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। जिसके बाद 5 जुलाई 1997 को लालू यादव ने विधानसभा में जनता दल से अलग नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाने का ऐलान कर दिया। बिहार में जनता दल के 22 में से 16 सांसद लालू यादव के साथ हो गए। इस तरह राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बनी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बन गए। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद 24 जुलाई 1997 की शाम को पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला केस में लालू यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी। CM पद से इस्तीफा देने की मांग उठ रही थी, लेकिन लालू के तेवर गरम थे। उन्होंने कहा कि CM को झूठे केस में फंसाकर उसकी सरकार बर्खास्त करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगले दिन यानी 25 जुलाई की सुबह लालू के तेवर ठंडे पड़ने लगे। दरअसल सुबह करीब 8 बजे राज्यपाल AR किदवई ने फोन करके कहा कि दोपहर तक गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। अगर लालू ने फौरन पद नहीं छोड़ा तो उन्हें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिसके कुछ देर बाद करीब 9 बजे लालू के सामने राज्य की खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया गिरफ्तारी के लिए CRPF, RAF और स्थानीय पुलिस को पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है। करीब 11 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने भी फोन करके इस्तीफा देने की सलाह लालू यादव को दे डाली। अभी लालू अपने करीबी लोगों के साथ चर्चा कर ही रहे थे कि दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने भी लालू से कुछ बात की। तब तक RAF के जवानों ने मुख्यमंत्री आवास को पूरी तरीके से घेर लिया। दोपहर 2:30 बजे लालू यादव ने जल्दबाजी में विधायकों की बैठक बुलाई। 40 मिनट की इस बैठक की शुरुआत में ही लालू ने ऊंची आवाज में कह डाला कि हमने राबड़ी को चुन लिया है। वहां मौजूद विधायकों ने कहा, जी सर, ठीक ही किए हैं। सभी विधायकों को राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन वाले कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कह दिया गया। दोपहर 3 बजे लालू राजभवन के लिए निकले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब लालू राज्यपाल आवास से बाहर आए तो भीड़ राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। लालू ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, आप लोग मुझे इतनी जल्दी भूल गए। कहा जाता है कि लालू ने जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं को छोड़ राबड़ी देवी को रसोई घर से निकालकर CM पद पर बैठाया, ये बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ की नुमाइश करता है। फिलहाल राबड़ी देवी को CM बनाने के फैसले ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को हैरान कर दिया था। इस तरह लालू ने राबड़ी को CM बनाकर परिवार और पार्टी की कमान अपने पास ही रखी। लालू यादव ने कहा, राबड़ी को CM बनाने का फैसला आनंद फानंद में नहीं लिया था। लालू के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने निजी तौर पर पत्नी राबड़ी देवी को CM बनाने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव पर तब लालू को हंसी आई थी, लेकिन बाद में उन्हें ये सही लगा।
पत्नी को सीएम बनाने के बाद 30 जुलाई 1997 को लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में सरेंडर कर दिया और दिसंबर 1997 तक जेल में रहे। हालांकि लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। अब राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी। जब एक वक्त आया 3 जुलाई 1999 का, जब रात 8:30 बज रहे थे, पटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस फ्रेजर रोड स्थित क्वार्टर नंबर 12 में पहुंची। ये राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का बंगला था। पुलिस को गैराज से एक सफेद जैन कार में दुष्शव मिले। ये गौतम और शिल्पी के थे। पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था। इधर पुलिस ने दोनों मौतों को आत्महत्या करार दे दिया। जिस गाड़ी में लाश मिली उसे चलाकर थाने ले जाया गया, जिससे उस गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट्स बदल दिए गए। रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने रात में ही गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि परिजनों का दावा अलग था। परिजनों के मुताबिक पटना में शिल्पी जैन नाम की लड़की रिक्शे से अपने इंस्टीट्यूट पढ़ने जा रही थी। रास्ते में उसके प्रेमी गौतम सिंह का दोस्त मिलता है। शिल्पी उसकी बाइक पर बैठ गई। इंस्टीट्यूट ले जाने की बजाय वो लड़का शिल्पी को फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में ले गया। जब गौतम को ये बात पता चली तो वो वहां पर पहुंचा, जहां पर अचानक कई लोग भी पहुंचे हुए थे। वहां शिल्पी के साथ कई लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। गौतम ने रोकने की कोशिश की तो उसे गला दबाकर मार दिया गया और शिल्पी का सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने FIR दर्ज करवाई। इस मामले में साधु यादव यानी बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई की भूमिका तब सामने आई जब उस वक्त के SP सटी भाटिया पर आरोप लगा कि वे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया। साधु यादव ने CBI को DNA और ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया। साधु यादव ने CBI के सामने बयान भी दर्ज नहीं करवाए। आखिर में 1 अगस्त 2003 को CBI ने खुदकुशी का मामला बताकर इस केस को बंद कर दिया। जिसके बाद राबड़ी के भाई साधु पर बाढ़ राहत घोटाला और JNU छात्र पर हमले के आरोप भी लगे। 2005 में लालू ने साधु यादव से किनारा कर लिया। शिल्पी जैन केस से जाहिर हो गया था कि दीदी जीजा के सत्ता में रहते हुए साले साधु यादव का दबदबा था, जिसके बाद धीरे धीरे लालू का वर्चस्व घट रहा था। लेकिन लालू अपनी पार्टी को मजबूत रखना चाहते थे, इसलिए अब लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को अपनी राजनीतिक विरासत देने का फैसला किया। दरअसल तेजस्वी यादव बचपन से क्रिकेटर बनना चाहते थे। 2008 से 2012 तक IPL के 4 सीजन के लिए दिल्ली डेयरडेविल टीम में उनका सिलेक्शन भी हुआ था। हालांकि इस दौरान ज्यादातर मैच में वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए। लालू यादव ने तेजस्वी का बचाव करते हुए एक बार कहा था कि अभी पानी और तौलिया ले जा रहा है, बाद में बैटिंग भी करेगा। तेजस्वी के राजनीति में आने के सवाल पर उनके मामा साधु यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे याद नहीं है कि तेजस्वी ने कभी राजनीति में कोई इंटरेस्ट लिया हो। 2009 के बाद कैसे उनकी राजनीति में दिलचस्पी जगी मुझे नहीं पता। 2009 में लालू ने तेजस्वी यादव के सियासी मैदान में बैटिंग कराने का मौका ढूंढा। तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव के लिए कई रैलियों में हिस्सा भी लिया था। 2015 में तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी CM बन गए। पिता के जेल में रहने के दौरान RJD ने तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी JDU और BJP गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। इसके बावजूद 80 सीटों पर जीतकर RJD बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अप्रैल 2022 में जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव ने कहा था, तेजस्वी यादव हमसे भी बहुत आगे निकल चुका है, किसी के बनाने से कोई नहीं बनता है, खुद बन जाता है। इस बयान के करीब 6 महीने बाद 11 अक्टूबर 2022 को राजद का 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पास हुए। पहला, RJD के नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। दूसरा, भविष्य में पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और टिकट बंटवारे पर अहम फैसले सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव ही लेंगे। इन 2 फैसलों से साफ हो गया था कि लालू ने इस तरह से पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को सौंप दी है। हालांकि लालू यादव ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को महुआ सीट से चुनाव में उतारा था। पहली बार चुनाव जीतते ही उन्हें नीतीश सरकार में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। दूसरे टर्म में उन्हें पर्यावरण मंत्रालय मिला। फिलहाल वो विधानसभा सदस्य हैं, लेकिन लालू को तेजस्वी पर ज्यादा भरोसा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लालू की बेटियां चुनावी मैदान में ना उतरी हों।
दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से बेटी मीसा भारती को टिकट दिया। वो अपनी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले राम कृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी। हालांकि इस चुनाव में मीसा को हार का सामना करना पड़ा। दो साल बाद पार्टी की ओर से मीसा को राज्यसभा में भेज दिया गया। 2019 में एक बार फिर से वो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। इस बार भी मीसा चुनाव हार गई, लेकिन राजद की ओर से 2022 में उन्हें दोबारा राज्यसभा सांसद चुना गया। इसी तरह लालू की डॉक्टर बेटी रोहिणी आचार्य 2024 में यानी इस बार बिहार की सारण लोकसभा सीट से अपना सियासी डेब्यू करने जा रही हैं। उन्होंने 2 अप्रैल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान भी कर दिया। रोहिणी आचार्य एक डॉक्टर हैं और उनके पास MBBS की डिग्री है। उन्होंने 2002 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आयकर अधिकारी समरेश सिंह से शादी की थी। लालू की तबीयत खराब होने पर रोहिणी ने ही अपने पिता को किडनी दान की थी। यानी लालू के बेटा और बेटी इस वक्त सियासी बैटिंग कर रहे हैं, और ये बैटिंग क्या मैच जिता पाएगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन राजनीति में लालू का सफर काफी दिलचस्प रहा है और कई अनसुने किस्से रहे जिसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। ये अनसुने किस्से आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।